आतंकियों के बीच जंग का 17वां दिन है। इजरायली सेना को हमास अभी भी जवाब दे रहा है। बड़ी खबर यह कि गाजा की तरफ से इजरायली सेना पर अटैक किया गया है। हमास के आतंकियों ने फिर से रॉकेट दागे हैं और साथ ही इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा को लेकर एक बैठक भी की है। तो जंग के हालात जिस तरीके से अभी भी बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि अभी काफी वक्त इसमें लग जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त दो धड़े में बटी हुई नजर आ रही है। कई ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, तो कई पश्चिमी देश इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं। तो बड़ी खबर यह कि 17वां दिन है आज और इजरायली सेना को हमास जवाब दे रहा है। गाजा पट्टी की तरफ से इजरायली सेना पर अटैक किया गया है। तो बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा को लेकर बैठक भी की है। इसराइल और हमास की जंग बेहद विध्वंसक हो चली है।